Is it audible for online students? स्टार्ट करते हैं जहां से हमने कल छोड़ा था वहीं से स्टार्ट करते हैं जो लास्ट क्लास में क्लास दैट वी वर हम वैदिक लिटरेचर के बारे में पढ़ने की कोशिश कर रहे थे अलग अलग समय के ऊपर वैदा वैदिक लिटरेचर लिखा गया फॉर एग्जाम्पल और वेद में बताया गया था चार वेद हैं, ऋग्वेद है सामवेद है यजुर्वेद साम है एंड अथर्ववेद। है दिस इज़ वन आस्पेक्ट दैट इज जहां पर हम डिस्कस करने की कोशिश कर रहे थे फर्स्ट थिंग सेकेंड थिंग मिलाल जोत इज इट फाइन फॉर यू टरेचर फॉर एग्जाम्पल दैट आर देयर उपनिषद है ब्रह्मनाज है अरण्य है एंड वेदांता है वेदांत है वेदांत है मल्टीपल अदर लिटरेचर आर देयर जब हम उप जब वेद पढ़ रहे हैं वेद में सब कुछ दिया हुआ है लेकिन वेद को और अच्छे तरीके से समझने के लिए फॉर एग्जाम्पल उपवेद होते हैं एंड एवरी फोर वेद हैज उपवेद अटैच टू इट आई थिंक इट्स फाइन फॉर मी क्योंकि सेम स्क्रीन ही आप शेयर कर रहे हो आर एन जो मैं शेयर कर रहा हूँ एक बार रिफ्रेश करिए ठीक हो जाएगा ऋग्वेद को एक बार एक्सप्लेन हाँ जी कर वो करवा वो व्रत आपको कर देते हैं क्योंकि दिस इज बेसिक्स जो बेसिक क्लास है जब आपको जीएस की क्लासेस में पढ़ाया जाएगा तो बहुत ज़्यादा एक्सटेंसिव तरीके से पढ़ाया जाएगा सो दैट यू आर एबल टू सॉल्व ऑल द क्वेश्चंस तो हम उसकी इतनी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है ये सिर्फ बेसिक है देखिए बीच में स्टक हो रही है एक बार चेक करना मूव करते आगे ऐप पे वेन यू टॉक अबाउट रिगवेद हमने कल थोड़ा सा बताया था एक बार आपको रिके अप कर देते हैं इट हैज़ 1028 जीरो हाइम्स मंत्र है इसमें एंड दे आर डिवाइडेड इन टू टेन बुक्स या जिसको हम दस मंडल भी बोलते देते हैं इसका आगे डिवीजन किया हुआ है टू टू सेवन ओल्डेस्ट तो जिसको फैमिली बुक्स भी बोला जाता है जैसे अलग अलग फैमिलीज़ uh, ने कंपोज किया वर्धवाज फैमिली हो गया अत्री फैमिली हो गया वशिष्ठ हो गया इन लोगों ने किया था और वन एट नाइन एंड टेन जो चैप्टर हैं ये बाद में एड ऑन करे गए थे और उसमें भी हम जब बात करते हैं चैप्टर नंबर वन या मंडल नंबर वन एंड टेन दे आर द लास्ट ऑफ ऑल द एडिशन जैसे टेंथ में क्या दिया हुआ है पुरुषोक्ता हाइम दिया हुआ है मीन्स एक ऐसा मंत्र जिसे पहले बार बताया गया है कि ब्राह्मण, क्षत्रिय वैश और शूद्र का क्लियर कट डिविजन देखने को मिलता है आई होप इट इज फाइन नाउ वेरी गुड आफ्टर एवरी वन ये चीज आपको वहां पर कंपेर वो देखने को मिलता है नाउ कमिंग बैक मूविंग हेड विथ थिंग्स एंड उप वेद उपवेद है मीन्स उसको और ज्यादा समझने के लिए फॉर एग्जाम्पल क्या काम आते हैं अदर थिंग्स तो ये डिटेल डिस्क्रिप्शन फॉर एग्जांपल फ्रेंड्स तब जाया जाता है क्योंकि दिस इज एन एनसीईआरटी क्लास जब डिटेल में जाओगे तो वो तो जीएस क्लास का कंपैरेटिवली पार्ट हो जाता है तो वहां पे कंपैरेटिवली उसी हिसाब से वो डिटेल में कराया जाएगा नाउ नेक्स्ट थिंग दैट इज देयर इज दीस वाइम्स दो इंपॉर्टेंट वर्ड है वन इज फॉर एग्जांपल श्रुति सेकंड वर्ड है स्मृति ऐसे श्रुति मीन्स फॉर एग्ज़ाम्पल कुछ हमने भगवान की भक्ति में हम बैठे और फिर उस भक्ति की करते हुए फॉर एग्जाम्पल कुछ चीज़ हमें वो ज्ञान आया और उसको ज्ञान हमने ऑर्ली बाद में ट्रांसमिट भी कर दिया उस चीज़ को बोला जाता है श्रुति थर्ड सेकेंड पार्ट इज़ फॉर एग्जाम्पल स्मृति क्या होता है जब वैदिक लिटरेचर इनिशियल फेज में फॉर एग्जाम्पल इनको श्रुति भी बोला जाता है मीन्स आप भगवान की भक्ति में अलग अलग ऋषि बैठे थे और वहां से फॉर एग्जाम्पल वो चीज़ उनको ज्ञान हुआ एंड दे वर एबल टू डू इट सेकेंड थिंग स्मृति मीन्स जिन्होंने अपने मुताबिक से अपने समझ के मुताबिक से किसी भी टाइम पीरियड का पोलिटिकल सोशल इकोनॉमिक रिलीजियस कल्चरल एक्सेट्रा आस्पेक्ट को देखने की कोशिश करी अपने समझ के मुताबिक इनको उन्होंने इंटरप्रेट किया एंड देन फॉर एग्जांपल दे वर एबल टू डू इट एंड फिर उसके मुताबिक कुछ ना कुछ लिखा जैसे मनु स्मृति है जजना बल्ले का स्मृति है उस तरीके से विकिए एक बार देखो हैं कहाँ पे हमारी तरफ से क्यों हाँ वो नहीं इंटरनेट का इशू नहीं है उनको रिकॉर्ड करके भेजो नहीं नहीं लेकिन कल को भी तो प्रॉब्लम ना आई ना उनको वो भेजो तो सही भी ये प्रॉब्लम आ रही है उनको बोलो एक बार तो जो अपने मुताबिक समझ के मुताबिक उनको इंटरप्रेट किया एंड देन फॉर एग्जांपल दे ट्राई टू गिव सटन जैसे लॉ बनाने की या कुछ और बनाने की कोशिश करी तो उसको फॉर एग्जांपल एग्जाम्पल एग्जाम्वल है स्मृति या मनु स्मृति इस तरीके से तो ये अलग अलग ऋषियों का कम्पेटली काम है जिन्होंने वैदिक लिटरेचर है दूसरे लिटरेचर फॉर एग्जाम्पल कंपेर किए और इनको समझने के लिए फॉर एग्जाम्पल फर्दर हम क्या बोलते हैं उपवेद कम्पेटली वहाँ पर बने जाते हैं नाउ दे आर डिफरेंट लैंग्वेजेज दैट आर देर यहाँ पे प्रेलिम्स का क्वेश्चन कम्पेटली हम बन सकते हैं अलग अलग इंडिया में लैंग्वेजेस है दे आर सर्टन वर्ड्स दैट आर बेसिकली कॉमन अलग अलग में जैसे हम अलग अलग वर्ड्स की जब कोशिश करते हैं, जैसे इंडिया में कुछ वर्ड्स है जैसे मदर फादर है इसमें हो जाता है मातृ पित्री इन हम बोल देते हैं इसको माँ पिता बन जाता है लेकिन जब लेटर में जाते हैं तो इसका बोल जाता है फॉर एग्जाम्पल मेटर एंड पेटर तो कहने का मतलब बस इतना हुआ कुछ लैंग्वेजेस की फैमिली कंपेरेटिवली वो सेम होती है तो इस तरीके से आपको लैंग्वेज की फैमिली समझने की कोशिश करना चाहिए देर आर सर्टन वर्ड जैसे मात्र हो गया संस्कृत में हिंदी में माँ हो गया इंग्लिश में मदर हो गया इन सब का मतलब इन सब का एसेंस जो कंपेरेटली है वो सेम ही होता है जिसकी वजह से फॉर एग्जाम्पल द अटेम्प्ट शुड बेसिकली मेड अगर किसी स्टूडेंट को स्ट्रक हो रहा है एप्लीकेशन के ऊपर तो वो यूट्यूब के ऊपर आके क्लास देख लो ये वाली क्लास ना वहां पूरी चल रही ठीक है तो आपको प्रॉब्लम दूर होगा एंड बाई द टाइम टीम को ऑलरेडी कन्वे कर दिया दे आर ट्राइंग टू हेल्प यू आउट ओम रतन पांडे छोटा सा एक बात समझने की कोशिश करो कल आपको बताया था वैदिक अर्ली वैदिक लेटर वैदिक के बारे में अभी हम करेंगे दूसरा ये सिर्फ एनसीआर क्लास है बच्चे जब जीएस की क्लासेस होती है बहुत ज़्यादा कॉम्प्रेंसिवली होगा तो डू नॉट नीड टू वरी वहाँ पे एवरी टेस्ट डिटेल विल बी रिकवर ये सिर्फ एनसीआर के स्नोपस की क्लास है आपकी एंड कुछ सटन फैमिलीज आर कॉमन फॉर एग्जाम्पल जब हम नॉर्थ ईस्ट की कंपेटली बात करते है, Tibet, हैं दे आर बेसिकली कमिंग फ्रॉम बिलोंग टू द तिब्बत बर्मन फैमिलीज इन बोला जाता है ऑन द अदर हैंड जब नॉर्थ ईस्ट की लैंग्वेजेज है जैसे तमिल होगी तेलगु कन्नड़ होगी मलयालम होगी दे बिलोंग टू द्रेविडियन फैमिली एंड स्पोकन फॉर एग्जाम्पल लैंग्वेजेज स्पोकन इन झारखंड एंड अदर पार्ट्स ऑफ सेंट्रल इंडिया तो कौन सी फैमिली को बोला था ऑस्ट्रो एशियाटिक फैमिली को तो इफ़ वी ट्राई टू सी विद इन अवर कंट्री सिर्फ तो अलग अलग समय के ऊपर अलग अलग लैंग्वेजेज यहाँ पर बोली जा रही है अलग अलग रीजन्स में अलग अलग लैंग्वेजेस कंपेयरली बोली जा रही है और उसी कंटेक्सट में हमें देखना पड़े कौन सी लैंग्वेज कहाँ की लैंग्वेज की सिमिलरिटी फॉर एग्जाम्पल आपको किस तरीके से जैसे अभी रिपीट करते हैं एक बार नॉर्थ ईस्ट वाले फॉर एग्जाम्पल तिब्बतो बर्मिन फैमिलीज़ का इनका कंपेरटली वहाँ पर ज़्यादा क्लोजनेस बन जाती है जो साउथ इंडिया वाली लैंग्वेजेज है तमिल तेलुगु कन्नड़ मलयालम इनका द्रेविडन फैमिली है और सेंट्रल पार्ट ऑफ द कंट्री वहाँ पे फॉर एग्जांपल एस्ट्रो एशियाटिक एस, फैमिलीज़ के साथ फॉर लिंग्विस्टिक फैमिली के साथ इनका कंपेयरटली तो बनता है तो ये चीज़ आपको कंपेरटली पता होना चाहिए भेज दिया उनको ठीक है ना वेन दीज पीपल आर देयर उसी चीज से हम एक बार जहाँ पे हम कल डिस्कस कर रहे थे और एक बात ओम ने भी पूछी है ये जब हम आर्यनस की बात करते हैं तो 1500 सौ बीसी से लेके फॉर एग्जाम्पल वन थाउजेंड बी सी तक जैसे कल भी बताया गया था दैट इज फॉर एग्जाम्पल अर्ली वैदिक आर्यस और वन थाउजेंड बी सी से लेके सी सी तक फॉर एग्जाम्पल इज द लेटर वैदिक पीरियड तो जैसे कल भी कराया था अर्ली वैदिक और लेटर वैदिक की जब हम बात करते हैं कंपेरिटिवली तो वहां पर क्या हो जाता है देयर मस्ट है सोसाइटी में इकोनमी में पोलिटिकल स्ट्रक्चर में रिलीजियस स्ट्रक्चर में कुछ तो चेंजेस हुआ होगा जिसके बाद हम बोलेंगे यार आज के बाद हम इस टाइम पीरियड को अर्ली वैदिक टाइम पीरियड नहीं बोलेंगे लेटर वैदिक टाइम पीरियड बोलेंगे ठीक है लेटर वैदिक कंपेटली वो टाइम पीरियड बोलेंगे दैट हैज बीन देर तो उसी तरीके से चेंजेस भी अलग अलग समय के ऊपर देखने को मिलते हैं फिर दीज पीपल फॉर एग्जाम्पल देखें आरियन फॉर एग्जाम्पल देखें दे हैड द नॉलेज ऑफ फॉर एग्जाम्पल जब इनकी बात करते हैं इनके पास हॉर्सेस की नॉलेज थी इनके पास मिल्ट्री स्किल्स थे ऑन द अदर हैंड यहां पर जो लोग रह रहे थे दे आर कंपेटली पीस लविंग पीपल एंड पीस लविंग पीपल को डिफीट करना कम्पेटिवली काफ़ी हद तक आसान था एंड इन्होंने वेन द केम ऑन द बेस ऑफ द सुप्योरिटी ऑफ द हॉर्स रेस या हॉर्स ऑन द अदर हैंड हॉर्स के साथ जा फॉर मिलिट्री स्किल्स के चलते हुए तो वहाँ पर क्या होने लगा नदर पॉजिटिव डेवलपमेंट दैट बेसिकली टूक प्लेस वॉज बेसिकली कि ये आके वहाँ पर अपना अपना डोमिनंस एस्टेब्लिश करने में कामयाब हो पाए टू एनिमल्स आर कंपेटली वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द आर्यस कौन कौन से बहुत ज़्यादा है इंपॉर्टेंट है द वन इज फॉर एग्जाम्पल हॉर्स एंड सेकेंड इज फॉर एग्जाम्पल काउ ना वॉट इज द इम्पॉर्टेंस ऑफ दिस जब हम हॉर्स की बात करते हैं इट इज इंपॉर्टेंट फॉर मिलिट्री परसपेक्टिव मिलिट्री एक्सपेक्ट क्योंकि उसकी स्पीड है एंड अदर थिंग्स दैट आर देयर जिसके चलते हुए फॉर एग्जाम्पल कंपेटली पॉसिबल हो सकता है काओ इज़ इम्पॉर्टेंट फ्रॉम इकोनॉमिक परस्पेक्टिव यहाँ पे रिलीजियस परस्पेक्टिव की बात नहीं हो रही है काओ इज़ इम्पॉर्टेंट फ्रॉम इकोनॉमिक परस्पेक्टिव जैसे जितनी ज़्यादा काउ जिसके पास होंगी हम कहेंगे उतना ही ज़्यादा वो अमीर बंदा है फॉर एग्ज़ाम्पल द पर्सन जो रिच पीपल को क्या बोला जाता था गो द रिच पर्सन तो गो बेसिकली मीन्स पे इंपॉर्टेंट एलिमेंट का कहने का मतलब क्या हुआ हमें अलग अलग तरीके से पॉसिबल पता लगता है कि काउ वहाँ पे इंपॉर्टेंट था बट द इंपॉर्टेंस ऑफ काउ बेसिकली इन कंसिडरेशन ऑफ यूनि टॉक अबाउट द इकोनॉमिक आस्पेक्ट रिलीजियस आस्पेक्ट की बात यहां पर कंपेरली हम नहीं कर रहे हैं इसको समझने की कोशिश करो अच्छे तरीके से फॉर एग्जाम्पल अर्ली वैदिक पीरियड में और फॉर एग्जाम्पल लेटर वैदिक पीरियड में जब सैक्रीफाइस देर मल्टीपल सेक्रीफाइजेस दैट आर परफॉर्म इन बिफोर द बर्थ ऑफ द चाइल्ड से लेकर डेथ के, के बाद तक फॉर एग्जाम्पल सेक्रीफाइस आपके चलते रहते हैं यहाँ पे कैटेगरीज ऑफ द प्रीस्ट एंड आउट ऑफ दिक्कसटीन कैटेगरी वन ऑफ द कैटेगरी वॉज अ ब्रह्मिन वो यूज टू परफॉर्म सेक्रीफाइज अलग अलग कैटेगरीज ऑफ दी प्रीस्ट है अलग अलग प्रीस्ट है वहाँ पे यहाँ पे क्या हुआ था द रिलीजन वॉज सो सिंपल ड्यूरिंग दिस टाइम पीरियड दैट इवन अ हाउस होल्डर कुड परफॉर्म दी सेक्रीफाइज जो घर पर बैठा हुआ बंदा है वही मंत्र पढ़ के सेक्रीफाइज परफॉर्म कर सक सेक्रीफाइज का मतलब ऐसा नहीं कि बली देना सेक्रीफाइस का मतलब थोड़ा बहुत दान पुण दे दे देना किसी गाय को कुत्ते को या कैसे रोटी खिला देनी यहां पे विद द पैसेज ऑफ टाइम रिलीजन कंपेटिवली बिकेम कॉम्प्लेक्स एंड आउट ऑफ 16 कैटेगरी जो सबसे इंपॉर्टेंट हो गया दैट वाज ब्रह्म तो वो कंपेटली अपने आपको बहुत सब स्पीड बना दिया एंड बिग सेक्रीफाइस फॉर एग्जांपल जैसे राजसुआ सेक्रीफाइस जैसे अश्वमे सेक्रीफाइस या वाजपेयी सेक्रीफाइस और फॉर एग्जाम्पल अश्वमे सेक्रीफाइस अलग अलग तरीके से फॉर एग्जाम्पल सेक्रीफाइस वहां पर होने लगे ना हमें थोड़ा बहुत पता, पता होना चाहिए इनके बारे में जो डिटेल में तो आपको जी एस क्लासेस में कराया जाएगा जस्ट टू गिव एन आइडिया जैसे अश, जब फॉर एग्जाम्पल एट द टाइम ऑफ कोरोनेशन ऑफ द किंग जब राजा गद्दी के ऊपर बैठेगा तो फॉर एकदम उस समय के ऊपर जो सेक्रीफाइस करे जाएंगे उसको बोला जाता है बोलाइस दैट इट इज कॉल्ड वाजपेयी सेक्रीफाइस बेसिकली मीन्स द ड्रिंक ऑफ द स्ट्रेंथ और दैट इज बेसिकली हम चैरियट रेस करते हैं वहां पे इससे पता चलता कि चैरियट की रथों की रेस करवाई जाती है और उस रेसेस में किंग जो होता है जो नया गद्दी पर बैठा उसको जिता दिया जाता है तो ये शो करने की कोशिश होती है द किंग इज कम्पेटली वेरी पावरफुल तो रथों की रेस में राजे को जिता दिया जाता है वहाँ पे उसको सुपीरियर शो करने के लिए अशम्भित असबेसिकली मीन्स हॉर्स उसका सेक्रीफाइस फॉर एग्जाम्पल दिस इज द टेरिटरी ऑफ द किंग यहाँ पे कोई घोड़ा छोड़ दिया और ऊपर से घूम फिर करके यहाँ पे कंप्लेटली वापस आ गया एंड उसके बाद कुछ लोग कहते हैं घोड़े की बलि दे दी जाती थी कुछ लोग बोलते हैं नहीं घोड़े घोड़े की बलि नहीं दी जाती थी सिर्फ उसके गर्दन के ऊपर तलवार लगा के छोड़ दिया जाता बिकॉज इट वॉज एन ऑस्पिशियस हॉर्स अगर यहाँ पे आके घूम फिर के वापस आ गया और किसी ने राजे को नहीं रोका है तो राज्य की टेरिटरी बढ़ के फॉर एग्जाम्पल छोटे से इतनी हो जाएगी और अगर किसी ने फॉर एग्जाम्पल वहाँ पे इस हॉर्स को रोक लिया फॉर एग्जाम्पल यहाँ से चला था यहाँ पे रोक लिया फिर आपस में फॉर एग्जाम्पल देर बी अ बैटल दैट वुड बी टेकिंग प्लेस जो जीतेगा फॉर एग्जाम्पल उस तरीके से उसका डिसीजन भी ले लिया जाएगा तो यहाँ पे कहने का मतलब क्या अशम इज मीन्स अस हॉर्स विल बी सेक्रीफाइज दैट मे बी सेरिमोनियल दैट वे बी डन इन रियलिटी लेकिन वहां पे इंपॉर्टेंट क्या था कि सेक्रीफाइस किया जाएगा इफ द हॉर्स रनस अनप्टेड अगर फॉर एग्जाम्पल घूम फिर के कंप्लीटली वापस आ जाएगा और कोई भी राजा उसको नहीं रोकेगा तो उसको फॉर एग्जाम्पल बोला जाता है अश्य में दैट इज अदर सेक्रीफाइस दैट और बहुत एक्सपेंसिव भी हो चुका था पर बेसिकली बींग जब अभी कोई परमानेंट आर्मी नहीं थे नहीं थी अलग अलग सेक्रीफाइस परफॉर्म करे जा रहे थे नो नॉट दिस फॉर एग्जाम्पल जन वॉज द हाईएस्ट पोलिटिकल यूनिट विश उसके नीचे था ग्राम और कुल जब हम पॉलिटिकल यूनिट्स की कंपेरिटिव बात करते हैं तो वहां पर पता लगता है सबसे बड़ा पोलिटिकल यूनिट बेसिकली जन था जन शब्द का मतलब क्या है इट इज अ ग्रुप ऑफ पीपल और सबसे लोएस्ट यूनिट मीन्स फॉर एग्जाम्पल कुल कुल मीन्स हेड ऑफ द फैमिली हेड ऑफ द फैमिली को क्या बोला है कुलअपा ग्राम ग्रामीण विश। ग्राम का हेड का बोल जाएगा ग्रामीणी जब कुल कुछ कुल इकट्ठे हो जाएंगे कुछ फैमिलीज़ इकट्ठी हो जाएंगी तो एक विलेज बन जाएगा ग्राम जब कुछ विलेजेस विलेजेस मीन छोटे मोटे हो जाए विश्व बन जाएगा तो उसका हेड बन जाएगा विश्वापति जन बेसिकली मीन्स अ ग्रुप ऑफ पीपल जब सब कुछ विश्व इकट्ठे हो जाएंगे उसको जन है इसके हेड को बोला जाता था जनेशिया और फॉर एग्जाम्पल गोपा या गोप या फॉर एग्जाम्पल इसको राजा ज राजन कप बैटली था, था तो देर वर वेरियस वर्ड्स और टर्म्स आई वुड से दैट वर बेसिकली यूज इस तरीके से निशियल फेज में था लेकिन जब हम लेटर वैदिक पीरियड में ये है अर्ली वैदिक पीरियड का काल नीचे वाला सेम रहेगा लेकिन इसका क्या हो जाएगा यहाँ पेड हाइएस्ट पोलिटिकल यूनिट विल बी जनपद बिकॉज अब आर्यस कंपेरेटिवली एक ऐसी जगह के ऊपर मूव हो चुके थे गंगा यमुना रीजन अ लैंड दैट वॉज कम्पेटिव मच मोर प्रोडक्टिव मच मोर फर्टाइल तो उसके लिए आपको मूव करने की जरूरत नहीं एक ही जगह के ऊपर काम रह के काम चल जाएगा तो वहाँ पर मीन्स जनपद हाइएस्टिकल जन बेसिकली मीन्स अ ग्रुप ऑफ पीपल पद बेसिकली मीन्स ऑक्यूपाइंग अ पर्टिकुलर टेरेटरी मीन्स अ ग्रुप ऑफ अ ऑक्यूपाइंगुलर टेरेटरी उसको फॉर एग्जाम्पल हम जनपद के नाम से कम्पेटली जानेंगे तो दिस इज बेसिकली जिस तरीके से वो कम्पेटली वो चेंज भी हो रहा था इन द इनिशियल फेज जब हम राजा जनेशिया गोप की बात करते हैं ही वॉज बेसिकली इलेक्टेड इसको इलेक्ट किया जाता था इलेक्ट करने का बेसिस क्या है ऑन द बेसिस ऑफ देंथ कौन कितना स्ट्रांग है उसकी बेसिस के ऊपर फॉर एग्जाम्पल इसको इलेक्ट भी किया जाएगा लेकिन विद द पैसेज ऑफ टाइम इवन एट द एंड ऑफ द अर्ली वैदिक पीरियड इलेक्टेड से जो था और यहां पे तो पूरे का पूरा लेटर वैदिक टाइम में क्या हो जाएगा हेरिडेटरी मींस बाप के बाद कंपेटली बेटा गद्दी के ऊपर बैठेगा एंड देन सेकंड थर्ड फोर्थ जनरेशन दे वुड बेसिकली बी सिटिंग ऑन द थ्रोन तो इस तरीके से फॉर एग्जाम्पल वो काम चलाया जाएगा तो यहाँ पे इलेक्टेड अब इलेक्ट कौन कर रहा है फॉर एग्जाम्पल दे आर डिफरेंट असेंबलीज दैट आर देयर ये थोड़ा सा एडिशन है आपकी एनसीआर बुक्स में नहीं दिया हुआ है इलेक्ट करने के लिए वैसे भी देयर तो असेंबलीज फॉर एग्जाम्पल कौन कौन सी हैं सभा समिति विद्युत गण और परिषद एंड देर आर वर्क डिफरेंट असेंबलीज़ दैट आर देयर अच्छा बिफोर बी मूव हैड इतना सबको समझ आ रहा है कोई डाउट तो नहीं है तो यहाँ पे अलग अलग असेंबलीज हैं जैसे सभा सभा बेसिकली मीन्स असेंबली ऑफ द एल्डर्स समिति बेसिकली मीन्स असेंबली ऑफ ऑफ़र यहाँ पे सभा का मतलब जो ओल्डर पीपल है एल्डर्स है उनकी फॉर एग्जाम्पल पूरे के पूरे लोगों को इकट्ठा करके है या जो एडवाइजर्स भी होंगे फॉर उस समय के ऊपर राजा के सेकेंड इज समिति मीन्स कॉमनर्स का पूरे का पूरा इट विल बी द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द समिति टू इलेक्ट द किंग विद्य बेसिकली मीन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ बूटी, जो भी लूटा गया है या कैसे ओल्डेस्ट ऑफ ऑल उसको डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वॉर बूटी भी, तो है? तो भी है. अदर स्मॉल असेंबलीज फॉर जिनका कोई क्लियर कट इतना फंक्शन की हमें जरूरत नहीं है तो आर देयर जब किंगशिप वहां पर इलेक्टेड था लेकिन जैसे ही इलेक्टेड से हेरिडेटरी शब्द हेरिडेटरी की तरफ हम कंपेटली यहाँ से इधर कंपेटली मूव कर जाएंगे तो दे विल बी रेफर टू एस ट्विन डॉटर्स ऑफ प्रजापति इनकी इंपॉर्टेंस खत्म हो जाएगी कम हो जाएगी बहुत ही एंड विदत का मेंशन कंपेटली पूरे का पूरा ख़त्म ही हो जाएगा मीन्स अब नाउ दे विल नॉट बी वेरी मच इम्पॉर्टेंट कुछ इंपॉर्टेंट बच्चे कुछ फॉर एग्जाम्पल टोटली पूरे का पूरा ही खत्म कर दिया गया था वर्ड्स दैट आर देयर नाउ Next is the mention of the word, for example, Vish wala kar liya. Dasas or Dasyus that are there. <coughs> important term. There were different categories of the people that were there at that particular point of time. Our three categories are important, for example, Dasas, Dasyus, or Ek hai panis. दासाज दे केन बी द अर्लियर ब्रांच ऑफ द आर्यन नॉर्मली हम कहते हैं कि 1500 बीसी के आसपास आर्यन फॉर एग्जांपल, दे केम लेकिन 1900 बीसी के आसपास स्टार्टेड गेटिंग सेटलिंग ऑन द नॉर्थ वेस्टर्न फ्रंटियर ऑफ इंडिया तो वहाँ पर विद द पेस्ट ऑफ टाइम तो वो धीरे धीरे अंदर आए वो तो दासाज जो थे यहाँ पे उन्होंने अपने ट्रेडिशन कल्चर थोड़ा बहुत वो चेंज कर लिया था दूस आर द इंडिजीनियस पीपल हुयर

कि वॉर बूटी को डिस्ट्रीब्यूट करना है जिसका मतलब क्या हुआ कि आपने किसी के ऊपर अटैक कर दिया अटैक करने के बाद कुछ वहां से सामान आप लूट के ले आए ठीक है और फिर उसका डिस्ट्रीब्यूशन होगा अकॉर्डिंग टू कंट्रीब्यूशन दैट इज बेसिकली बी एट तो वो काम होगा एक असेंबली आर डिफरेंट आर वाई नेम अलग अलग है नेक्स्ट इज एक छोटा सा आता है मेगा फॉर एग्जाम्पल क्या बनता है बेसिक मेगा मीन्स बेसिकली बिग लिथ मीन्स बेसिकली स्टोन बड़े बड़े पत्थर जो अलग अलग लोगों का फॉर एग्जाम्पल जहाँ पे लास्ट रिचुअल्स भी करे जाते हैं कवर हैं तो उसके सराउंडिंग में बड़े बड़े पत्थर फॉर एग्जाम्पल रख लिए जाते हैं उसको बोलते हैं दैट हैज देंट देयर बिग स्टोन दैट आर देयर टू मार्क द बरियल साइट्स तीन हजार आज से कुछ अप्रोक्सिमेटली शुरू हुआ ट्रेबलेंट थ्रो द डेक इन साउथ इंडिया नॉर्थ ईस्ट और कश्मीर रीजन में फॉर एग्जाम्पल ये पूरे का पूरा वहाँ पे डेक प्रेबलेंट भी था नाउ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग इज दैट आयरन इक्विपमेंट आर बेसिकली फाउंड इन द मेगलेथिकल्स एंड सच टाइप ऑफ मेगालैथिक बरियल्स भी कंपेटली है जहाँ पे आप फोटोज में देख सकते हो नाउ नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट इज जब आयरन की बात होती है तो आयरन की एविडेंसेस आपको कब और कहां पे देखने को मिलते हैं कुछ लोग इसको 1100 सो बीसी कहते हैं कुछ लोग इसको हजार बीसी कहते हैं कुछ लोग इसको फॉर एग्जांपल ये कहते हैं कि 900 सो बीसी के आस पाया हमें कोई फर्क नहीं पड़ता बिकॉज दे विल नेवर बी आस्किंग एन एज हम एक सेफली कह देते हैं कि आयरन के बारे में अप्रॉक्सिमेटली 900 सौ बीसी के आसपास हमें पता चल गया था

जो एग्रीकल्चर इम्प्लीमेंट्स के लिए तो वहाँ पे आपको कम्पेटली पता होना चाहिए इट अर बेसिकली यूज फॉर एग्रीकल्चर इम्प्लीमेंट्स ऑन बट इनिशियल तो फेज में एक एग्री फॉर एग्जाम्पल वेपन के बारे में पता लग रहा था जब हम कहते हैं कि नौ सौ बीस के, के आसपास है तो इसका मतलब इससे पहले पता नहीं था तो ना तो आपको इंडस वैली सिविलाइजेशन वाले लोगों को पता था ना ही अर्ली वैदिक पीरियड वाले लोगों को आयरन के बारे में कंपेर्टली पता था अलग अलग ट्रेडिशंस फॉर एग्जाम्पल देखने को मिलती हैं ब्रह्मगिरी में अलग स्केल्टन पाए हुए हैं बरेल स्पॉट्स अलग अलग फैमिलीज के हैं अ स्पेशल साइट एट ए नाम गाँव वहाँ पर एक साइट है जहाँ पे आपको नॉर्मली क्या होता है अडल्ट फॉर जनरली वरिड इन द ग्राउंड ले डाउन स्ट्रेट अडल्ट को फीदा फॉर एग्जाम्पल लेटा या होता था एंड हेड ट्ड्स द नॉर्थ कुछ वरिल ग्राउंड आपको विद इन द हाउसेज भी देखने को मिलते हैं बेसल्स के पास कंपेर फूड वाटर और अदर थिंगट आर रिटर्न वन मैन वॉज फाउंड बरेड इन लार्ज फोर लेग्ड क्ले जार दैट वॉज देयर इन अ कोर्टयार्ड ऑफ अ फाइव बिग हाउस मीन्स कंपेटली काफी बड़ा बंदा था जिसकी फॉर वहाँ पर डेथ भी हुई थी द हाउस आल्सो हैड अ ग्रीनरी द बॉडी वॉज प्लेस टू द क्रॉस लिट जैसे कोई संत महात्मा हो गए हो सकता है वो भक्ति कर रहे हो फिर भक्ति में लीन होते होते उसी तरीके से फॉर एग्जाम्पल उन्होंने अपना शरीर छोड़ दिया हो उस तरीके से आपको इनाम गाँव में देखने को मिलता है इनाम गाँव में एक और भी आपको एविडेंस बाद में देखने को मिलता है जहाँ पे कि बच्चों के अगर बच्चे की डेथ हो जाती तो उसके पैर नीचे से फॉर कट कर देते थे तो क्यों बिकॉज वो उसके बूथ प्रेत कंपेटली ना बन जाए तो वो भी आपको इनाम गॉँव में एविडेंसेस कम्पेटली देखने को मिलती हैं चलो जी चैप्टर नंबर फाइव पढ़ो फिर हम आगे मूव करते हैं ऑनलाइन आल्सो प्लीज़ रीड चैप्टर नंबर फाइव और फिर आगे मूव करते हैं अगर कुछ यहाँ पे डाउट है जस्ट लेट मी नो स्टडी यूपीएससी विद एस ऐसे राइटिंग की क्लास कब होगी अगर आप हमारे स्टूडेंट हो तो प्रीलिम्स के बाद करवाया जाएगा अगर स्टूडेंट नहीं है तो फिर उसका अभी कुछ ऐसा सच प्लान नहीं है स्टूडियो पर रहे अच्छा ठीक कोई नहीं हाँ वो बोल दिया है वो ठीक कर रहे हैं

जन क्या होता है जनपद फॉर एग्जाम्पल क्या होता है आपको ऑलरेडी बताया जा चुका है अभी एंड डिफरेंट टाइप्स ऑफ पॉटरी वॉर बेसिकली बींग यूज यहाँ पे एक टाइप ऑफ पॉटरी का नाम आता है पेंटेड ग्रेवियर पॉटरी, जिसको पीजीडब्ल्यू भी बोला जाता है वेयर मीन वेसल, ग्रे मीन ग्रे कलर पेंटेड मीन उसके ऊपर कुछ पेंट कर देना ग्रे कलर के वेसल वेसल के ऊपर कुछ पेंट कर देना उसको हम बोलते हैं पेंटेड ग्रे वेयर पोट्री दिस वॉज द पॉटरी दैट वॉज कॉमन एट दैट पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम और कब कॉमन हुआ था फॉर एग्जाम्पल लेटर वैदिक टाइम पीरियड के ऊपर वो आपका कॉमन भी था <coughs> उसी दिस इज अ फोटो वेयर के ऊपर कुछ भी थोड़ा बहुत पेंट किया हुआ है उसको पेंटेड ग्रे वेयर पोट्री बोला जाता है इस इस रीजन में फॉर एग्जाम्पल ये चीज कॉमन भी था ना नेक्स्ट इज महाजनपद हम कर रहे थे पहले अर्ली वैदिक टाइम पीरियड में हमने वर्ड किया था जन जन के बाद कंपेटली बन गया वह जनपद जनपद से फॉर एग्जांपल वो बन गया महाजनपद जन शब्द का मतलब है अ ग्रुप ऑफ पीपल जनपद बेसिकली मीन्स अ ग्रुप ऑफ पीपल ऑक्युपाइंग अ पर्टिकुलर टेरिटरी तो उसको जनपद बोला जाएगा अब महा मीन्स बिग अब बिगर ग्रुप ऑफ पीपल ऑक्युपाइंग अ बिगर टेरिटरी टेरेटरी उसको महाजनपद कंपेटली बोला जाता है महाजनपद का टाइम पीरियड शुरू हो जाता है अप्रोक्सीमेटली सिक्स एंड बी सी के आसपास इस वजह से इस टाइम पीरियड को एज ऑफ महाजनपद भी बोला जाता है इसी टाइम पीरियड को सेकेंड अर्बनाइजेशन भी बोला जाता है इसी टाइम पीरियड को एज ऑफ बुद्ध भी बोला जाता है इसी टाइम पीरियड को एज ऑफ जैनिज्म भी बोला जाता है सेम ही टाइम पीरियड की जब जब पोस्ट वैदिक टाइम भी कंपेटली इसको बोला है तो व्हाट आई एम ट्राइंग टू से उसी टाइम पीरियड को अलग अलग नामों से जाना जाता है अगर कोई भी क्वेश्चन आता है और वहाँ पे ये वर्ड कुछ मेंशन करे हुए हैं तो यू शुड बी अंडरस्टैंड महाजनपद की बात करते हैं जब हम महाजनपद की बात करते हैं देर आर सिक्सटीन डिफरेंट महाजनपद इसमें से कुछ जनपद किंगशिप है और कुछ फॉर एग्जाम्पल रिपब्लिक है बिकॉज़ दिस टाइम पीरियड एज ऑफ बुद्धिज्म एंड जैनिज्म इसलिए जो जो महाजनपद बुद्धिज्म और जैनिज्म के लिटरेचर में कंपेटिव कॉमन दी गए हैं हम उनको कंसिडर करते हैं कि फॉर एग्जाम्पल देयर फॉर एग्जाम्पल महाजनपद उस टाइम पीरियड के हैं किंगशिप बेसिकली मीन्स एक ऐसा जगह जहां पे ऑलरेडी डेवलपमेंट जन से जनपद जनपद से महाजनपद बन रहा था वेयर द किंग विल बी हेरिडेटरी आपके बाद बेटा गद्दिग पर बैठेगा यहां पे इट वॉज इलेक्टेड एंड इट वॉज सॉर्ट ऑफ ओलिगार्की दैट वॉज प्रिवेलिंग ओलिगार्की फॉर एग्जाम्पल वहां पे प्रिवेल कर रही है मीन्स फॉर एग्जाम्पल कुछ इम्पोर्टेंट लोग मिल के वो सरकार को चलाने की कोशिश करेंगे इसको फॉर अलीगार सिस्टम है दिस वॉज अ टाइम जैसे बुद्धिज़्म और जैनिज़्म दोनों का बर्थ फॉर एग्जाम्पल एक रिपब्लिकन सिस्टम में हुआ था किंगशिप टाइम पीरियड में द सोसाइटी वॉज बेसिकली डिवाइडेड इन टू ब्रह्मण क्षत्रिय वैश्य और शूद्र लेकिन यहाँ पे ऐसा डिवीज़न देखने को नहीं मिलता था नो सच डिवीज़न देयर यहाँ पे सोसाइटी दो पार्ट में बनी हुई थी क्षत्रिय राजकुल और फॉर एग्जांपल दास कर्मकारा इसमें पूरे का पूरा समाज कंप्लेटली डिक्लेयर किया था एंड यहां पे इट वाज वेरी मच ओपन सोसाइटी यहां पे पूरे का पूरा रिपब्लिकन में ओपन सोसाइटी एंड जब डिसीजन फॉर एग्जांपल दे वर टेकन द डिसीजन वाज टेकन बाय कंसेंसस एंड इवन बुद्ध भी कहते हैं कि फॉर एग्जाम्पल जो रिपब्लिकन सिस्टम है वो कम्पेटली अच्छा है जहाँ पे डिसीजन कंसेंसस से कंपेटली वो लिए जा रहे हैं तो सबकी सुनी जा रही है बिकॉज आपको यहाँ पे शार्प डिवीजन इंटू ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य और शूद्र देखने को नहीं मिलता है देयर फॉर फॉर एग्जाम्पल आप ब्राह्मण और क्षत्रिय का कोई अलायंस भी देखने को नहीं मिलेगा शॉर्ट ऑफ अलायंस बट ऑन दी अदर हैंड अनदर थिंग दैट कम्पेटली बिकम्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ओवर हेयर इज एक ओपन सोसाइटी है जहाँ पे अगर आप किसी भी चीज़ का क्रिटिसिज्म करना चाह रहे हो द क्रिटिज्मड भी अलाउड एट दट पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम तो वो चीज़ फॉर एग्जाम्पल वहाँ पे आपको देखने को मिल जाती है इसी वजह से वेन बुद्धिज्म सिद्धार्थ और महावीर Jainism में पीपल फॉर दे वेरी सिस्टम और रोका नहीं गया तो जब हम बात करते हैं महाजनपद की फॉर एग्जाम्पल सिक्सटीन डिफरेंट महाजनपद महाजनपद इमर्ज इन डिफरेंट एरियाज फॉर एग्जाम्पल और फॉर फॉर एग्ज़ाम्पल नॉर्थ वेस्ट में थे सेंट्रल में थे डेक्कन वाले पार्ट में फॉर एग्ज़ाम्पल देखने को मिल जाते हैं इस रीजन में कंसंट्रेशन ज़्यादा है यहाँ पे मिलेगा एंड फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे तो आपको पता होना चाहिए इनका जोग्राफिकल लोकेशन फॉर एग्ज़ाम्पल अगर किसी का अगर आपको पता है याद रख सकते हैं इट इज़ इम्पॉर्टेंट दैट यू नीड टू लर्न द जोग्राफिकल लोकेशन जैसे डिन साउथ में कौन सा है उसका पता होना चाहिए नॉर्थ वेस्ट में फॉर एग्जाम्पल गंदारा है अदर पीपल इनका आपको कम्प्लेटली पता होना चाहिए तो वहाँ पर इफ़ यू जैसे अंग अवंती अशमख काशी कौशल कुरु कम्बोज एंड अदर पीपल देवर देयर फॉर अलग अलग महाजनपद अलग अलग समय के ऊपर हैं इनके बारे में कम्पेयरली आपको पता होना जरूरी है डिफरेंट टैक्सेज वर बेसिकली बिंग इम्पोज बिकॉज अगर आपने इतना बड़ा एडमिनिस्ट्रेशन चलाना है तो टैक्सेस तो इम्पोज करने ही पड़ेंगे तो वन ऑफ जैसे एग्रीकल्चर के ऊपर टैक्स आप कर रहे हो द टैक्स वॉज नोन एज बाग बाग और ए शेयर मीन्स हिस्सा बाग को कलेक्ट करने के लिए देर वॉज एन ऑफिसर वाई द नेम बागा अगर कुछ भी शेयर हो रहा है प्रोड्यूस में तो वहाँ पे फॉर एग्जांपल वन सिक्स आपको किंग को देना पड़ेगा का उसको क्या बोला जाएगा फॉर एग्जांपल बाग और बाग बेसिकली मींस द हिस्सा ऑफ द शेयर इन द प्रोड्यूस फॉर एग्जांपल दैट हैज बीन देयर एग्रीकल्चर सिस्टम भी कंपेटली धीरे धीरे चेंज होने लगा हाउ दिस एग्रीकल्चर सिस्टम बेसिकली चेंजिंग पहले था कुछ हद हाँ तक एग्रीकल्चर हम जो प्लो है वुडन प्लो से किया जा रहा था लेकिन बाद में विद द पैसेज ऑफ टाइम वुडन के बाद एक आयरन का बाद भी जैसे आपको बताया था एग्रीकल्चर इंप्लीमेंट्स भी बनने लगे थे आयरन के तो दैट वॉज ऑल्सो यूज महाजनपद की बात करते मगध वाज द मोस्ट इंपॉर्टेंट यहाँ पे वाटर ट्रांसपोर्ट है वाटर सप्लाईज है अदर पे लैंड वेरी प्रोडक्ट एलिफेंट्स वर बेसिकली बीइंग फाउंड एट दैट पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम इंपॉर्टेंट किंग्स लाइक बिंबिसा रजाश शत्रुदेव और देयर जिसके चलते इन्होंने अपने एम्पायर को एक्सपेंड भी किया नंदा डेनेस्टी भी यहीं पर इमर्ज हुई राजगृह एंड फॉर एग्जाम्पल पाटलिपुत्रा वॉज द इम्पॉर्टेंट द कैपिटल वॉज देयर इनिशियल फेज में राजगृह थी बाद में शिफ्ट करके पाटलिपुत्रा भी कर दी जब नंदाज में uh, धनानंद कंपेटली रूल कर रहे थे उसी टाइम के ऊपर फॉर एग्जाम्पल अ पर्सन बाय द नेम एलेगजेंडर फॉर एग्जाम्पल उन्होंने आके वहाँ पर अटैक भी किया था जो नॉर्थ वेस्ट में लेकिन फॉर एग्जाम्पल ही रिटर्न फ्रॉम द नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट ईस्टर्न साइड के उसके सोल्जर्स ने मूव करने को मना कर दिया था फॉर वेरियस रीजन वर्जी वॉज अ वेरी इंपॉर्टेंट पावरफुल किंगडम कैपिटल वॉज एट वर्जीज ऑफ वैशाली एट इट वॉज बेसिकली डिफरेंट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट जैसे गन संघ जैसे आपको पता है जैसे रिपब्लिकन सिस्टम था रिपब्लिकन सिस्टम को गन सिस्टम भी बोला जाता है जो संघ फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन भी बोला जाता है ऑर्गेनाइजेशन और एसोसिएशन यूज फॉर अ ग्रुप दैट हैज मैनी ऑफ दी में गन संघ भी फॉर एग्जाम्पल बोला जाता है यानी गन और अ संघ दे दे वर नॉट वन बट मैनी रूलर्स फॉर एग्जाम्पल दैट वुड बी देर जैसे बाद में लिचवीज ऑफ वैशाली बोला जाता है द लिचवीज़ वर सेवन थाउजेंड सेवन हंड्रेड एंड सेवन राजा तो इकट्ठे अलग अलग जगह के ऊपर राज चलाने की कोशिश भी कर रहे थे तो गन बेसिकली मीन्स गौर गन संग बेसिकली मीन्स द ग्रुप ऑफ पीपल दैट वुडर मल्टीपल वहाँ पे राजा भी फॉर एग्जाम्पल होंगे अयाशत्रु वॉज अनदर इम्पॉर्टेंट किंग हुफीटेड दिचवीज ऑफ वैशाली दैट आर देअर और बाद में वजीज वाले टेरिटरी को अपने आप को इसने अपनी टेरिटरी के साथ भी मिला लिया था वजी विमेन्स फॉर नॉट हेल्ड बाई फोर्स और दे वर कैप्चर्ड जो चैत्याज थे लोकल श्राइन थे दे वर मेटेन बोथ इन द टाउन्स एंड फॉर एग्जांपल विज आल्सो सर्टेन इंपॉर्टेंट टाउन्स फॉर एग्जांपल आपको दी जा रही है टू टॉक अबाउट अभी तक क्लियर है इतना सबको ऑनलाइन वालों को भी दिस मच क्लियर फॉर एवरी वन करते हैं बुद्धिज्म बेसिकली कमिंग फ्रॉम अ ही क्षत्रिय एट दैट पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम इनिशियल फेज में इनका नाम सिद्धार्थ था बाद में फॉर एग्जाम्पल वेन ही अटेन्ड बोध निर्वाण एट द अंडर द पीपल ट्री एट बोध गया वहां पर एनलाइटनमेंट भी फॉर एग्जाम्पल इनको हो गया बुद्धिज़म एंड जैनिज़म वर द टू इम्पॉर्टेंट रिलीजन्स जो अलग अलग टाइम पीरियड में जैसे सिक्स सेंचुरी बी सी में फॉर एग्जाम्पल दे बोथ ऑफ दिज रिलीजन दे इमस्ट एंड इन्होंने काफ़ी इम्पोर्टेंट रोल प्ले किया खास कर जब बुद्धिज़म की बात करते हैं इसको तो सोशल मूवमेंट भी बोला जाता है बिकॉज इट ट्राई टू ब्रिंग अबाउट अ चेंजेस इन द सोसाइटी कुछ हद तक ये कामयाब भी हो पाए थे फॉर एग्जाम्पल चेंजेस इंट्रोड्यूस करने में टॉक अबाउट बुद्धिज्म जब बुद्धिज्म का किस तरीके से फॉर एग्जाम्पल काम करते दर्सन वॉज सि वॉज बेसिकली कमिंग फ्रॉम अर रॉयल फैमिली साकिया क्लाइन से आ रहे थे आ रहे थे एंड इसके बर्थ के टाइम जब बर्थ से पहले ही फॉर एग्जाम्पल वेन हिज मदर व बेसिकली प्रेग्नेंट तो वहाँ पे कहा जा रहा था कि ही शी हैड अ ड्रीम दैट अ वाइट एलिफेंट इज़ एंट्रिंग इन टू हर वूम और बाद में जैसे अपने को इंटरप्रेट किया गया तो बताया गया या तो बहुत बड़ा राजा बनेगा जब बहुत बड़ा संत बनेगा संत ना बन जाए तो इसको पूरे ऐशो आराम कंपेटली देने की कोशिश करी बिकॉज रॉयल फैमिली से आ रहा है लेकिन बाद में विद द पैसेज ऑफ टाइम जो होना होता है उसको रोका नहीं जा सकता एंड फॉर एग्जाम्प लेफ्ट एवरी चन्ना भाई उसके साथ फॉर एग्जाम्पल छोड़ छाड़ के सब कुछ चला गया तो जब ट्रांसफॉर्मेशन हुआ यू है एनलाइटनमेंट फॉर एग्जाम्पल एन ओल्ड पर्सन अ सिक पर्सन देखने को मिला अ डेड बॉडी देखने को मिली एंड फॉर एग्जाम्पल एन एसेटिक इसने आज तक सिख पर्सन ओल्ड पर्सन या डेड पर्सन ही नहीं देखा था ना ही कोई एसेटिक देखा था तो वेन ही सो एसेटिक था यार मैं भी मर सकता हूँ मैं भी बीमार हो सकता हूँ या मैं भी बुढ़ा हो सकता हूँ तो ये दुखी हो गया लेकिन बाद में जब एक एसेटिक को देखने को मिला said, ये सेटिकर ये बंदा बढ़िया तरीके से चेहरे पे इसके एक रौनक है चेहरे पे इसके ऊपर एक और है तो मैं एसेटिक ही बनना चाह रहा हूँ एंड देयर फॉर यू टू का डिसीजन एंड वहाँ पर सब कुछ छोड़ छाड़ के फॉर एग्जाम्पल चला गया वेन ही लेफ्ट बिकॉज यू वॉज कमिंग फ्राम अ रॉयल फैमिली

लेकिन बाद में इसको लगा यार मेडिटेशन कैन बी वन ऑफ द वे ऑफ अचीविंग सेल्वेशन बट नॉट द ओनली वे फॉर एग्जाम्पल अगर हम भूखे ही रहे फॉर एग्जाम्पल मेडिटेशन से करना हुआ जो लोग इलिटरेट है उनको मुक्ति कैसे प्राप्त होगी दे ही स्टार्टड थिंकिंग दैट देयर मे बी सम अदर रीजन फॉर एग्जाम्पल जिसके चलते हुए यहाँ पे इनको मेडिटेशन भी होता है तो वहाँ पे ही सेट बाद में रिवर

He found these five people जिनके साथ फिर ऑस्टैरिटी वहाँ पे कर रहा था बिकॉज इसको लग रहा था कि इनको ये इनके दोस्त हैं जो पहले जिनके साथ प्रैक्टिस किया था और इनको कहाँ पे बिठाया डियर पार्क डियर पार्क कहाँ पे सारनाथ में एंड वहां पे उनको क्या ज्ञान दिया और वहां पे जिसको बोला धर्म चक्र परिवर्तन के नाम से कम्पेयरली बोला जाता है सब कुछ ही फॉर उनको हिला के या समझा के रख दिया कि दिस इज द वे अ पर्सन हैज़ बीन देयर इन दे 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 लाइफ और उसको किस तरीके से मोक्ष की तरफ कंपेयरली जा सकते हैं वहां पे अपने आपके आइडियाज़ के लिटरेचर को वहां पे इसने स्प्रेड भी किया बुद्धिज़्म के बारे में कहा जाता है इट इज़ अ रिलीजन विदाउट गॉड एंड सोल एक ऐसी सोल जो परमानेंट है उस परमानेंट सोल में कंपेटली ये नहीं मानते एंड वहाँ पे बताया जाता है कि जैसे नॉर्मली कहा जाता है कर्म की बात हो रही है कि कर्मिक पार्टिकल्स बुरे हैं तो ये क्या बोल रहे हैं बुद्ध टीचर आलोक दोबारा पूछो क्या कहना चाह रहे हो गॉड एंड सोलर मैटर तो इसने क्या बोला है किस तरीके से आप कर्म का काम करोगे उसी तरीके से आपका आगे नेक्स्ट जनरेशन में फॉर एग्जाम्पल नेक्स्ट जन्म में आपका बर्थ होता रहेगा डज नॉट मीन कि आपकी जो सोल है वो कभी भी मरेगी नहीं ऐसा नहीं कि मल्टीपल बॉडीज में वो चलती रहेगी इसने जो बताया कि आप पर कर्म करोगे उस कर्म के चलते हुए ही आप एक या दूसरे शरीर में चलते जाओगे उसी को फॉर एग्जाम्पल एक्सप्लेन किया हुआ है एक लिटरेचर फॉर एग्जांपल तो रामपुता में पूरे का पूरा इसको एक्सप्लेन भी किया हुआ है तो जब पूरे का पूरा एक्सप्लेन कर रहा है तो इन्होंने बोला कर्मिक पार्टिकल्स आर प्लेइंग अ मेजर रोल कर्म कैसे कर रहे हो लिटरेचर है पत्रिका समुपदा जिसमें ये बताया गया है इट इज नॉट अ ट्रांसमाइ्रेशन ऑफ द सोल बट इट टोटली डिपेंड्स ऑन योर कार्मिक पार्टिकल्स या आपके कर्म कैसे हैं उसी तरीके से फॉर एग्जाम्पल वो डिफाइन किया जाता है कि आप कौन सी फॉर एग्जाम्पल आगे जून में जा रहे हो तो इन्होंने कुछ गॉड एंड सोल के बारे में इन्होंने कुछ नहीं कहा इट एंड सेट दैट इट डिपेंड्स ऑन द ले फॉलोअर्स कि जो फॉलोअर था उसकी उनकी मर्जी है अगर वो ये मानना चाह रहे हैं कि भगवान है तो है अगर वो नहीं मानना चाह रहे तो फॉर एग्जाम्पल तो बुद्ध ही नेवर कॉल्ड हिमसेल्फ एज गॉड बुद्ध ने कभी अपने आप को भगवान नहीं बोला आई एम ही बेसिकली वॉज देयर सर्विंग एज वी कैन से कि लोगों को किस तरीके से बढ़िया तरीके से हम सेवा कर सकते हैं एंड ही बेसिकली कॉल्ड हिमसेल्फ एज अ टीचर इन्होंने अपने आप को भगवान कभी नहीं माना हमेशा टीचर ही माना है और जब गॉड एंड सोल की बात करते हैं और यहाँ पे दो इंपॉर्टेंट धर्म है बुद्धिज्म ऑन द वन हैंड एंड जैनिज्म ऑन द जेनिज्म बुद्धिज्म वाले कहा जाता है इट इज अ रिलीजन विदाउट गॉड एंड सोल एक ऐसा धर्म है दैट इज विदाउट गॉड एंड सोल ऑन द अदर हैंड जैनिज्म वाले कहते हैं जब सोल के बारे में बात करते हैं दिस इवन द स्मॉलेस्ट ऑफ द पार्टिकल फॉर एग्जाम्पल अ सोल हर एक छोटे से छोटे कण में फॉर एग्जाम्पल एक आत्मा है तो वो एवरी स्मॉलेस्ट पार्टिकल कंप्लीटली सोल पहला दूसरा पॉइंट जब ये गॉड के बारे में बात करते हैं जर्निज्म वाले तो वो पहले फेज में क्या कहते हैं फर्स्टली आइदर द गॉड इज नॉट देयर भगवान है ही नहीं और अगर फॉर एग्जांपल वो एग्जिस्ट करता है देर बिलो द 63 थ्री वे देयर बिलो द ट्वेंटी फोर तीर्थ देर जो हमारे तीर्थ अंकर हैं उनसे कंपेटली वो नीचे हैं दिस इज वॉट इज फॉर एग्जाम्पल गिवन इन द आइडियोलॉजी और द फिलोसफी दैट इज बेसिकली बींग पुट फॉर्ड बी जनिज्म ये कहती है मोक्ष के बारे में बात करते हैं बुद्धिज़्म के बारे में बात बात आती है कहती है अब जीते जी फॉर एग्जाम्पल यू कुड बीन अ पंडीशन टू अटेन मोक्ष लेकिन यहीं पर यहाँ पे क्या कहते हैं और यहाँ पे बुद्धिज़्म के बारे में कहते हैं जीते जी इन द लाइफ टाइम यू कैन बीन अजिशन टू उन मोक्ष एंड यह कहते हैं जब किसी की डेथ हो जाएगी तो उसको महापरिनिर्वाण बोलेंगे और वो जर्निज्मे क्या कहते हैं दे बेसिकली से बेसिकली से फॉर एग्जाम्पल आपको डेथ के बाद ही मुख्य मोक्ष प्राप्त होगा निशलोक निशल दो टीचर्स जो वहां पे थे वो है अलारा कलाम एंड उद्द का रामपुता दीज आर द इम्पॉर्टेंट टीचर्स फॉर एग्जाम्पल वर देयर जो पहले दो टीचर थे सिद्धार्थ के अलारा कलाम एंड उद्द का रामपुता ये उनके नाम थे तो ये अलग अलग दोनों रिलीजन के बारे में थोड़ा बहुत फॉर एग्जाम्पल डिफरेंस है कर्म पार्टिकल आपको ऑलरेडी बता दिया है बुद्ध लैंग्वेज प्राकृतिक लैंग्वेज में थे

एंड वो पूरे का पूरा समझाएंगे बताएंगे किस तरीके से आप यहाँ पे क्यों आई हो मोक्ष कैसे प्राप्त करती हो ऑल बेसिकली बी टॉट मोस्ट उपनिषद एंड बेसिकली ब्रह्मिंस या राजा थे लेकिन कहीं ना कहीं पे विमेन भी एसोसिएट थी उनके साथ फॉर एग्जाम्पल जैसे गार्गी तो गार्गी यजनावाली का संवाद भी आपको देखने को मिलता है जहां पर इनगेज इन पार्टिसिपेट इन डिबेट ऑल्सो पुअर रेयरली टेक पार्ट इन द डिस्कशन विद एन एक्सेप्शन दैट सत्या

एंड यही नहीं इनके आपको किसने लिखा फॉर एग्जाम्पल वो भी पता होना चाहिए या कॉन्नाडा हो गया कौनडा गौतम कपिला पतांजलि जयमि व्यास फॉर एग्जाम्पल वर द पीपल हु कम्पोज ऑल दिस वो आपको वो पता होना चाहिए पर्णी वॉज ए इम्पोर्टेंट ग्रामेरियन एट दैट पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ जर्निज्म में ट्वेंटी फोर तीर्थंकारस के बारे में आपको ऑलरेडी बताया जा चुका है या थोड़ा बहुत डिफरेंस है वो भी बताया जा चुका है इनमें संघ ऑलरेडी मीन्स आपको जो ऑर्गेनाइजेशन है किस तरीके से डिसीजन फॉर एग्जाम्पल लिया जाता है वो बताया जा रहा है मोनेस्ट्रीज जहाँ ये लोग कंपेटिव रह रहे हैं मोनेस्ट्रीज एंड विहाराज दैट आर देयर नाउ वर्ण सिस्टम ऑलरेडी वहाँ पे प्रवेल हो रहा था जिसका फॉर एग्जाम्पल ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य और शूद्र इसके साथ ही आश्रम सिस्टम भी शुरू हो गया था जैसे चार आश्रम में हिंदुइज़्म में ब्रह्मचार्य गृहस्था वनप्रस्था और सन्यासी उस तरीके से तो वर्ण आश्रम सिस्टम का कंपटीशन भी आपको कहीं ना कहीं फॉर एग्जांपल वो देखने को मिलता है कुछ इंपॉर्टेंट पढ़ो जी इतना आई थिंक एवरी एवरीथिंग इज क्लियर जो पढ़ाया है आज वाली क्लास में एंड इसको हम यहीं पे रोकते हैं अगर किसी भी स्टूडेंट को ओवर वॉचिंग ऑनलाइन और यूट्यूब कुछ भी इंक्वायरी है किसी चीज़ के बारे में तो कैन काइंडली कॉल एट ऑफिस नंबर डबल नाइट वन जीरो वन डबल थ्री जीरो एट फोर इसके ऊपर आप कॉल करके अपना कोई भी इंक्वायरी दूर कर सकते हैं थैंक यू वेरी मच फ्रेंड्स टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ